गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवी क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर पूरा रीड कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज टी एच ई द बी आर ए आई एन ब्रेन, आई एस इज आई एन एस आई डी ई इन साइड टी एच ई द ब्रेन इज इन साइड द। जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर होता है? एच ई ए डी हेड, एन ई सी के नेक मीन्स गर्दन, टी आर यू एन के ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड या धड़ भी बोल सकते इसे। तो जो हेड होता है वो किसके अंदर होता है हमारे, सॉरी जो ब्रेन होता है वो हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे टिक लगाइए। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डब्ल्यू एच आई सी एच विच पी ए आर टी पार्ट ओ एफ ऑफ बी ओ डी वाई बॉडी सी ओ डबल एन ई सी टी एस कनेक्ट एच ई ए डी हैड डब्ल्यू आई टी एच विथ टी आर यू एन के ट्रंक, विच पार्ट ऑफ बॉडी कनेक्ट हेड विद ट्रंक। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ बॉडी कनेक्ट, मतलब हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो हेड और ट्रंक से कनेक्ट रहता है? तो पहला है आर्म, ए आर एम आर्म मीन्स भुजा, एल ई जी लेग मीन्स पैर, एन ई सी के नेक, नेक मीन्स गर्दन। तो कौन सा पार्ट हमारी हेड और ट्रंक से कनेक्ट रहता है? सो अवर आंसर इज नेक। ओके, सी वाले पे टिक लगाइए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डब्ल्यू एच आई सी एच विच ओ एफ ऑफ टी एच ई द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग आई एस इज यू एस ई डी यूज्ड एफ ओ आर फोर एल आई एफ टी आई एन जी लिफ्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लिफ्टिंग। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनमें से सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा पार्ट हमारे हम लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज एल ई जी लेग, ए आर एम आर, एम ओ यू टी एच माउथ, माउथ मीन्स मुंह, आर मीन्स भुजा, लेग मीन्स पैर। तो हम लिफ्टिंग के लिए मुंह का यूज नहीं करते, लेग का भी नहीं करते, तो हमारा आंसर आएगा आर्म। ओके, सेकंड वाले पे टिक लगाइए। एंड अवर फोर्थ क्वेश्चन इज द एल ओ डब्ल्यू या लोअर पी ए आर टी पार्ट ओ एफ ऑफ टी एच ई द एल ई जी लेग आई एस ई सी ए डबल एल ई टी कॉल, द लोअर पार्ट ऑफ लेग इज कॉल्ड, जो लोअर पार्ट ऑफ लेग लेग होता है उसका जो लोअर वाला नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? टी एच आई जी एस थाई, एफ डब्ल्यू डी फुट, टी ओ एन जी यू ई टंग, टंग मीन्स जीप। तो हमारा आंसर आएगा फुट। ओके, कंप्लीट। नाउ वी विल राइट अ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एंड नंबर फिफ्थ इज वाई ओ यू एस एच ओ यू एल डी सूट बी आर यू एस एच ब्रश वाई ओ यू आई यू अर टी डबल यू टी एस टीथ डैश आई एन इन अ डे, यू शुड ब्रश यूअर टीथ इन अ डे, आपको आपके दांतों को ब्रश वंस ओ एन ई वंस मीन्स एक बार, टी डब्ल्यू आई सी ट्वाइस मीन्स डेली या रोज, thrice means कभी कभी। तो कब करना चाहिए आपके दांतों को ब्रश? ट्वाइस मीन्स डेली। ओके, तो बी वाले पे टिक लगाइए। सो अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन इज कंप्लीटेड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फाइव डबल एल फील इन द बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स डब्ल्यू आई टी एच विथ टी एच ई द सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ में उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट इज टी एच ई द एच ई ए डी हैट पी आर ओ टी ई सी टी एस प्रोटेक्ट द हैट प्रोटेक्ट द, जो हैड होता है हमारा सिर वो किसे प्रोटेक्ट करता है। सी एच ई एस टी चेस्ट मीन छाती, ई आई जी एस टी एट, एट ऑप्शन नहीं है, चेस्ट भी नहीं आया क्योंकि हेड की बात पूछी गई है। नेक्स्ट है हमारा बी आर ए आई एन ब्रेन, तो हमारा आंसर आएगा ब्रेन, तो लिखिए यहाँ पे बी आर ए आई एन ब्रेन, सो हमारा आंसर इज ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टी एच ई द यू डबल पी ई आर अपर पी ए आर टी पार्ट ओ एफ ओ टी आर यू एन के ट्रंक सी ओ एन टी ए आई एन एस कंटेन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक कंटेन, जो ट्रंक होता है उसका जो अपर वाला पार्ट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें और साथ में होती है, तो यहाँ पे लिखिए आंसर में सी एच ई एस टी, क्या आएगा यहाँ पे सी एच ई एस टी, सी एच ई एस टी। ओके, नाउ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज डैश हैज टीथ एंड टंग, टीथ मींस होते हैं दांत एंड टंग मींस होती है जीभ, तो जो टंग और जो जीभ होती है वो किसके अंदर होती है, देखिए हमारा चेस्ट हो चुका है इसे क्रॉस कर दीजिए, ब्रेन हो चुका है इसे क्रॉस कर दीजिए, अब हमारे साथ ऑप्शन बचते हैं एट माउथ सॉट, तो एट तो कोई यहाँ पे टीथ और टंग होते नहीं है, है ना, सॉट भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर आएगा माउथ, तो लिखिए यहाँ पे एम ओ यू टी एच, माउथ है इस टीथ एंड टंग, जो माउथ होता है उसमें दांत और जीभ होती है। ओके, नाउ कम ऑन फोर्थ वाई ओ यू एस एच ओ यू एल डी सूट एस एल डबल ई पिछली ए टी एट एल ई एस टी एट लीस्ट डेज एच ओ यू आर एस आवर्स ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे यू शुड स्लीप एट लीस्ट डेज आवर एवरी डे, आपको दिन भर मतलब जो नॉर्मली नींद लेनी चाहिए, आपको सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, सो अवर आंसर इज एट। ओके, तो लिखिए यहाँ पे ई आई जी एच टी, हमें कम से कम आठ घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट यू शुड के डबल ई पी की वाई ओ यू आर यूअर एन ए आई एल एस नेल्स यू शुड कीप यूअर नेल्स, आपको आपके नाखून कैसे रखना चाहिए, सो अवर आंसर इज शॉर्ट मीन्स छोटे, बड़े नाखून नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखे एस एच ओ आर टी शॉर्ट। तो आगे आप लोगों को समझ में, आज हमने करे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ विल राइट अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।